मौसमियाती तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना। कुदरती आफत से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। 1,500 के करीब कीमती जानें जाए हुई। मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी पर फिर इमदाद के लिए जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों की कुर्बानी दे चुके, वक्त आ गया है मुत्तहिद होकर इस नासूर का खात्मा किया जाए। शहबाज शरीफ का शंघाई तआवुन तंजीम के इजलास से खिताब। पाकिस्तान का ताइवान समेत तमाम मसाइल पर चीन की गैर मुतजलजल हिमायत का इआदा। समरकंद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा तआवुन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए पाक चीन कम्युनिटी की तामीर का इआदा। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे को दौरे की भी दावत। वज़ीर आज़म का दौरा है उज़्बेकिस्तान। शहबाज शरीफ की समरकंद में काजिकिस्तान के सदर से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत। आज़रबाईजान के साथ मुलाकात में आर्मीनिया के हाथों 70 फौजियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। इलाकाई खुद मुख्तारी के दिफा की हिमायत। रूसी और चीनी सदूर के साथ मुज़ाकरात इंतहाई कामयाब। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दौरे की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ नवंबर में बीजिंग जाएंगे। लगता है अब बैरूनी साजिश की जगह बैनुल अक्वामी साजिश का हैशटैग होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। मौसमियाती तब्दीलियों का मामला। पाकिस्तान पूरी दुनिया की आवाज़ बन गया। आलमी फोरम पर बड़ी कामयाबी। अहम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ की हिमायत कर दी। ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान ईरान और मंगोलिया की क़यादत का सैलाब ज़दगान के लिए भरपूर मदद पर जोर। क़यामत गुजर चुकी, शदीद असरात बाकी। सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी बहाल न हो सकी। कई मकामात पर ताहाल पानी जमा। ताफुन और वबाई अमराज के बायस मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। अद्वियात और इलाज मालजे की सहूलतें न होने के बराबर। दूर दराज देहात तक इमदाद भी न पहुंच सकी। तबाह हाल सिंध में अलमनाक मनासिर। बिफरे रैले सब कुछ बहाले गए। सूबे में अब तक 678 अमवात। खैरपुर में सबसे ज्यादा 92 अमवात। 1,05,00,000 अफराद मुतासर। 68,84,000 से ज्यादा बेघर। सड़कें खंडर। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद। जमीनी राबता मुनकता। मुतासरीन बेजारों मददगार। बलोचिस्तान में भी हर तरफ तबाही की दास्तान। सैलाब ने सड़कें खंडर बना दी। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। बेघर अफराद को ठिकाने की तलाश। सर्दी की आमद आमद। मुतासरीन की परेशानियों में इजाफा। खुराक और अद्वियात की भी शदीद किल्लत। जनूबी पंजाब के मुतासर अजला में भी वबाई अमराज फूट पड़े। आलमी हिद्दत का सैलाब की तबाहकारियों में कितना हिस्सा। पाकिस्तान के मुतासरा इलाकों में 75% ज्यादा बारिशें हुई। रैलों के बायस 3,30,00,000 अफराद मुतासर। 1,500 जानें चली गईं। कुदरती आफत से होने वाली बर्बादी में इंसानी सरगर्मियों का किरदार खारिज इम्कान नहीं। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप में माहिरीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में सैलाबों ने बहुत नुकसान किया है, जैसे सिंध में हुआ है। यहाँ पे हमारा कोयटा तफ्तन सेक्शन 104 जगह से ब्रिज हुआ है और कुछ ब्रिज गिरे हैं। बाकी सब लोग अपनी एफर्ट कर रहे हैं, सिविल गवर्नमेंट, फाजे पाकिस्तान, एनडीएमए, पीडीएमए, लेकिन आफत बहुत बड़ी है। सैलाब ज़दगान को रिलीफ की फराहमी चंद माह का काम नहीं, बहाली में एक अरसा लगेगा। बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा तबाही हुई। डेरा अलायार से जैकबाबाद की जानिब 11 किलोमीटर ट्रैक पानी में डूब गया। ML 1, 2 और 3 के लिए आर्मी इदारों से मदद लेना होगी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और तफ्तीशी हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। क्या तहरीक इंसाफ के दौर में पुलिस ने किसी को मारपीट नहीं की? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। पीटीआई रहनुमा को मुतल्लिका फोरम से रुजू करना होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के रिमार्क्स। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्तें। सिंध हाईकोर्ट का कराची में 23 अक्टूबर को पोलिंग यकीनी बनाने का हुक्म। ईसीपी हुकाम ने नोटिफिकेशन पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहर इक्तदार के क्रिकेट ग्राउंड्स निजी कंपनीज को नीलाम करने से रोक दिया। एडमिनिस्ट्रेटर के पास आउटसोर्स करने का इख्तियार नहीं, दरखास्त गुजार का मौकिफ। अदालत आलिया ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का काम करने से इनकार। कामरान अली अफजल ने 14 रोज की रुख्सत ले ली। चेयरमैन पीएनडी अब्दुल्ला खान सुंबल को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। चौधरी परवेज इलाही और मोनी इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफद की मुलाकात। दरपेश मसाइल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब ने तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी करवा दी। सियासत में रवादारी के उसूलों पर कार बंद हैं। हमेशा आज़ादी सहाफत के लिए आवाज़ बुलंद की। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। डेंगू पर फैलाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खतरनाक। एक शख्स दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 5 हो गई। 24 घंटे के दौरान 361 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। सिंध में भी 192 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में मजीद 113 केस रिपोर्ट। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद 96 पैसे बढ़ गई। 236.84 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 1 रुपया महंगी, 242 रुपए में ट्रेड। हजरत अली हजवेरी गंजे बख्श के उर्स का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदत मंदों की लाहौर आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 3,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। शुहदाए करबला का चहलम। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। डबल सवारी पर 3 रोज के लिए पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश भी ममनू करार।